तो दोस्तों आज है आपके लिए एक फ्रेशर लड़की की कहानी। कॉलेज पूरी करने के बाद दिन से ही शुरू हो गई थी ये बीमारी। 3 साल जहां उसने करियर बनाने के लिए बिताया था, साला 3 साल के बाद ही पता चला वो 100% वाला जॉब तो सिर्फ एक छलावा था। क्या करता, घर में बैठकर ऑनलाइन सीवी चिपकाता फिरता, कभी कभी सामने से कॉल आता, 1000 रुपया दे मैं चूती है, तेरा नौकरी पक्का। अबे नौकरी दे रहा है या ले रहा है, ऑनलाइन दुकान खोल के ये हम सब की ले रहा है। भिखारियों वाली हालत है जिसकी, ये साला उसी से पैसे मांग रहा है। अब आते हैं उन दोस्तों के पास जो साले 1 महीने पहले नौकरी दिलाने का वादा तो करते हैं और उसके बाद करता हूँ ना रे कोई जुगाड़, खोलता हूँ ना तेरे लिए कोई शॉर्टकट का द्वार। और फिर 1 महीने बाद बिजी हो यार। नौकरी मिले ना मिले, कॉलेज के कुछ पुराने चूतिये जरूर मिल जाते हैं जो आपकी दुखती पे लात मार के आपको बेरोजगारी का एहसास दिलाते हैं। पता है एक दिन उस लड़के का भी दिन आएगा, जिन जिन कंपनियों ने उसे ठुकराया था वही कंपनियां उसे दुगनी सैलरी देकर भी नहीं रख पाएगी। भले ही ये कहना आसान है और करना मुश्किल, क्योंकि ये फ्रेशरों की दुनिया है और बेरोजगारी की महफिल। थैंक यू।